आज है 19 जुलाई 2021, और 19 जुलाई 2021 से करेंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष गोयल। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल नियुक्त हुए हैं। दिल्ली सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गूगल। दिल्ली में अब गूगल पर दिल्ली की DCT और क्लस्टर बसों की लोकेशन मिल सकेगी। उपयोगकर्ता को गूगल प्लेटफॉर्म पर बसों के वास्तविक समय में मार्ग, सभी बस स्टॉप, आगमन और प्रस्थान का समय प्रदर्शित होगा। अब यात्री गूगल मैप्स पर बसों की लोकेशन और रूट भी ट्रैक कर पाएंगे। गूगल के बारे में जानकारी, गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है। संस्थापक सगोई ब्रेनी और लेरी पेज हैं। CEO सुंदर पिचाई हैं। CFO रूट पेरट हैं। पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, J.S. इफ्तेखर। उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक J.S. इफ्तेखर ने लिखी है। टॉप बुक्स एंड उनके ऑथर अनादर डजन स्टोरी पुस्तक को सत्यजीत रे ने लिखा है। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी पुस्तक को दीप हाल्डन ने लिखा है। हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट मीन पुस्तक को प्रदीप गुप्ता ने लिखा है। द बेंच पुस्तक को मेगन मार्कल ने लिखा है। एलिफेंट इन द वोम पुस्तक को कलिक कोचलिन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन COVID-19 टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वियतनाम। वियतनाम देश ने जॉनसन एंड जॉनसन COVID-19 टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। वियतनाम देश के बारे में जानकारी, यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी हनोई है। वियतनाम की करेंसी वियतनामी डोंग है। वियतनाम के प्रधानमंत्री फॉम मिन्ह चिन्ह हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति न्यूयेन जुआन फुक हैं। वियतनाम की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी 16,600 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा IPO लॉन्च करेगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेटीएम। IPO का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर कंपनी पेटीएम ने 16,600 करोड़ रुपए के IPO के लिए मार्केट रेगुलेटर CB का आवेदन भेजा है। इसमें 8,300 करोड़ रुपए के ताजा शेयर होंगे, जबकि OFS के जरिए 8,300 करोड़ रुपए के शेयर की बिक्री की जाएगी। यह अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा। देश के अब तक का सबसे बड़ा IPO कोल इंडिया लिमिटेड का था। 2010 में कंपनी के इसके जरिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई थी। भारत में शेयर मार्केट को SEBI रेगुलेट करता है। पेटीएम के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में। CEO विजय शेखर शर्मा है। संस्थापक विजय शेखर शर्मा है। हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। हरेला उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाने वाला पर्व है। यह पर्व श्रावण के महीने में बारिश के मौसम यानी मानसून की शुरुआत का प्रतीक है। हरेला पर्व उत्तराखंड के अतिरिक्त
हिमाचल प्रदेश में भी हरियाली पर्व के रूप में मनाया जाता है। हरियाली या हरेला शब्द पर्यावरण के काफी करीब है, ऐसे में इस दिन सांस्कृतिक आयोजन के साथ साथ ही पौधारोपण भी किया जाता है। इसी दिन से किसान अपने खेत में बुआई का काम शुरू करते हैं। यह दिन किसानों के लिए शुभ माना जाता है। टॉप पर्व और महोत्सव। करेंट अफेयर्स रिवीजन। केला महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। जगन्नाथ रथ यात्रा 2021 का आयोजन पूरी उड़ीसा में किया गया है। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन जयपुर में किया गया है। 19 मई 2021 को भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले का 51वां संस्करण शुरू किया गया है। आषाढ़ी बीज कच्छ नववर्ष पर्व गुजरात राज्य में मनाया गया है। उत्तराखंड के बारे में जानकारी। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। यहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मृत कवचम को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल। कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने हेतु केरल सरकार के अभियान मृत कवचम का हाल ही में जिला स्तर पर उद्घाटन किया गया है। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु विभिन्न सरकारी अस्पताल में स्पॉट पंजीकरण किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय कोविड वैक्सीन प्राप्त कर सकती हैं। केरल के बारे में जानकारी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, केरल के मुख्य न्यायाधीश एस मणि कुमार, केरल के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल के प्रमुख हवाई अड्डे कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल के राष्ट्रीय उद्यान पेरियर राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, केरल के लोक नृत्य कालीअट्टम मोहिनीअट्टम कथकली इत्यादि। दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फॉर्म का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिंगापुर। सिंगापुर ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया है। यह परियोजना देश द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए 2025 तक अपने सौर ऊर्जा उत्पादन को चौगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के प्रयासों का हिस्सा है। सोलर फॉर्म सालाना लगभग 32 किलोटन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है, जो सड़क से 7,000 कारों को हटाने के बराबर है। सिंगापुर के बारे में जानकारी। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन से लाए गए मोंक फ्रूट की खेती किस राज्य में शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में चीनी मोंक फ्रूट की खेती शुरू की गई है। इस फल की खेती करने वाले मोंक के नाम से इस फल का नाम मोंक पड़ा है। मूल रूप से चीनी में पाया जाने वाला यह पौधा पहली बार देश में उगाया जाएगा और यह पौधा इसलिए खास है क्योंकि इसके फल से मिठास का एक बढ़िया विकल्प तैयार किया जाता है, जो कि खासकर शुगर के मरीजों के लिए लाभदायक माना जाता है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण, यहाँ की प्रमुख झीलें सूरजताल झील, नाखो झील, रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे रोहतांग दर्रा, शिपकली दर्रा, हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु हिम तेंदुआ, हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। यहाँ का लोक नृत्य छपेली और तांड नावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मांडुवा डीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बनारस रेलवे स्टेशन। रेलवे बोर्ड ने मंडुवा डीह
रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया है। टॉप बदलेगा इनाम करंट अफेयर्स रिवीजन। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया है। नागपुर शहर के गोरवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर कर दिया है। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर कर दिया है। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदलकर भारी उद्योग मंत्रालय कर दिया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 17 जुलाई। अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस हर साल 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्याय और अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के काम को मजबूत करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 2021 की थीम सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। जुलाई मंथ में कुछ इंपोर्टेंट डे हैं, उनको मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को चार्टेड अकाउंट दिवस मनाया जाता है भारत में। 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को राष्ट्रीय फ्राइड क्लेम दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है यूएसए में। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को राष्ट्रीय सतगियारा दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को राष्ट्रीय सादगी दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को पेपर बैग दिन मनाया जाता है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। बाईस जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। 24 जुलाई को राष्ट्रीय ताप अभियंता दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइसिस दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। और जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो रेंडमली सिलेक्ट होने पर जीत सकते हैं हमारे चैनल की तरफ से शानदार गिफ्ट। तो फटाफट से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ और फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, हमारे चैनल गूगल सर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको रोजाना आपके मोबाइल पर मिल जाएगी।